हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दमका बीबीसी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद सिद्धन एक लंबे समय के बाद आप लोगों से मिल रहा हूं। कुछ परिवार में ऐसी घटनाएं घट गई थी जिस वजह से नहीं आ पा रहा था। अब सब कुछ ठीक ठाक है। बीबीएससी लगातार कुछ न कुछ नई नई चीजें लेकर के एक इनोवेटिव एरिया के साथ आ रही है। इसी क्रम में आपके सामने दिख रहा होगा कि 68वीं एग्जाम के संदर्भ में निगेटिव मार्किंग अब होगा और उसके लिए आपको 0.25 यानी एक चौथाई मार्क्स कटेगा और हर एक क्वेश्चन पर वह लागू होगा। उसके संदर्भ में चर्चा थोड़ी सी कम निगेटिव मार्किंग, चूंकि हम लोग जानते हैं ऑलमोस्ट जो एक बहुत बड़ा हेरफेर, उसके लिए तो हम लोग तैयार थे निगेटिव मार्किंग के लिए। जो एक बड़ा सा हेरफेर हुआ है वह मेंस को लेकर के हुआ, यानी 68वीं बीपीएससी का जो मेंस होगा उसमें टोटली नई चीजें ले आया गया है और जो कि काफी इनोवेटिव है। बहुत सारे स्टेट्स में और यूपीएससी में हो तो रहा है लेकिन इस लेवल पर नहीं हो रहा है कि बिल्कुल ही ऑप्शनल पेपर को ही ऑलमोस्ट इरिलेवेंट बना दिया गया है। अब जो 300 मार्क्स का आपका ऑप्शनल पेपर होता था उसको केवल एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स के रूप में, वो भी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस उसमें होंगे और जिसमें केवल क्वालिफाइंग करना है, जिसका मार्क्स नहीं जुटेगा हिंदी की तरफ। मार्क्स जुटेगा किसका? GS1 300 मार्क्स, GS2 300 मार्क्स और एक नया पेपर निबंध लाया गया है वह इसका उसका मार्क्स जुटेगा। यानी निबंध को एज ए ऑप्शनल पेपर के विकल्प के रूप में लाया गया है, ठीक है। 300 देखिए डिटेल में थोड़ा सा ये ओरिजिनल बीपीएससी का ये है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ये देखिए 300 मार्क्स का ये समान हिंदी तो ये 100 मार्क्स का होगा जो कि क्वालिफाइंग है, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स है इसका। फिर सामान्य अध्ययन पत्र 1 पेपर 1 ये भी 300 मार्क्स का होगा और समान अध्ययन पेपर 2 ये भी 300 का होगा। एडिटिंग है इसमें, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ना कहें, एक नई चीज जो इंट्रोड्यूस किया गया है वह निबंध है और जो वैकल्पिक विषय है, वैकल्पिक विषय एमसीक्यू आधारित होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में होगा और केवल 100 मार्क्स का होगा और वो भी उसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। जनरल के लिए 40% मार्क्स उसमें चाहिए, फिर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 32-40% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए जो कि आराम से कोई भी आप लोग मेहनत करेंगे करते हैं पीटी के लिए कंटिन्यूअसली वहां पर लाया जा सकता है। उस पर भी अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो पेपर जो ऐड किया गया है एज ए ऑप्शनल पेपर के विकल्प के रूप में हुआ है निबंध, ठीक है, वो भी 300 मार्क्स का, काफी महत्वपूर्ण है। 300 मार्क्स का पर GS1 भी हो गया, 300 मार्क्स का पेपर 2 भी हो गया और 300 मार्क्स का आपका निबंध भी हो गया। इसी 300 पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, इंटरव्यू कॉल होगा और फाइनल सिलेक्शन होगा। अब GS1 GS2 तो सब लोग तैयारी पहले से करते रहे हैं लेकिन एक निबंध जो है परंपरागत रूप से बीपीएससी में नहीं रहा है और वो भी 300 मार्क्स का। यूपीएससी में निबंध है बट वहां पर क्या है कि निबंध में केवल 250 मार्क्स का है। यूपीपीसीएस में भी निबंध है लेकिन वहां केवल 120 मार्क्स का है। 40 मार्क्स का 3 निबंध होता है वहां पर, 40 + 120, ठीक है, 120 मार्क्स का यूपीपीसीएस में। और यूपीएससी में 125 और 125 का 2 निबंध लिखना होता है, ठीक है। लेकिन ये तो बिल्कुल सबसे आगे बढ़कर के 300 मार्क्स का कहीं भी नहीं है इतना ज्यादा मार्क्स। और इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि 300 मार्क्स में कितने निबंध होंगे, तो सर्टेनली मान के चलिए कि एक निबंध नहीं होगा, उसमें एक नहीं होगा, एटलीस्ट 2 और 3 होना चाहिए,
चार की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो दो अगर हुआ तो 150-150 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है, 150 मार्क्स का, और नहीं तो क्या हो जाएगा, 100 मार्क्स का होगा तो 3 होगा। यानी अलग अलग सेक्शन से यह सेक्शन बटा होगा एबीसी या एबी, और उसमें से एक एक हर एक सेक्शन में आपको एक निबंध को लिखना होगा, ठीक है। तो एक क्रांतिकारी चीजें हैं, निबंध हम लोगों के लिए नया तो नहीं है, बचपन से हम लोग गाय पर लेख तो दोस्त पर लेख आदि हम लोग लिखते रहे हैं, वह एक अलग बात है। यहाँ पर बीपीएससी में 36 पेज की कॉपी होती है, 36 पेज में आप मान के चलिए कि कम से कम 3000 वर्ड में तो लिखेंगे, दो निबंध आया तो 1500-1500, अगर तीन भी आता है तो 1000-1000 करके लिखेंगे, ठीक है वर्ड। तो यह लिखना इतना आसान नहीं है, वो भी पूरी गहराई के साथ, तो इस पर हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यह जो निबंध होगा वह अब निर्णायक साबित होगा। GS1 GS2 सब लोग पहले से पढ़ रहे थे, लेकिन निबंध में क्या है कि इसका दायरा जो होता है पेरिफेरी काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। इसमें मार्क्स मान लीजिए 300 मार्क्स में किसी को 120 मार्क्स भी आ सकता है और किसी को 250 मार्क्स भी आ सकता है, सॉरी 250 तो नहीं आएगा, बहुत ज्यादा हो गया, मतलब 200 भी आ सकता है। अब किसी को 120 मार्क्स, जो कि मार्क्स ठीक ठाक है, 120 मार्क्स कोई बहुत बुरा नहीं मतलब होगा ऐसा, लेकिन किसी को 120 भी आ सकता है और उसी में किसी को 180-190 भी आ सकता है। तो यह जो 60 मार्क्स का 70 मार्क्स का अंतर है, यह अंतर जीएस में नहीं होता था या नहीं होता है इतना ज्यादा, लेकिन यहां पर एक एस्से में इतनी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए निबंध काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक आपकी मेरिट लिस्ट में होगा, जिसका निबंध पर कमांड होगा उसी का आप समझिए कि बीपीएससी में बेरा पार लगेगा। तो इस संदर्भ में एक अच्छी चीज है कि इमीडिएटली इस पर काम करते हुए और रिपब्लिका आप लोग के सामने जो लाई है, ठीक है, इसमें जैसे 68-69 यूपीएससी मेंस में जो अनिवार्य पेपर के रूप में जो निबंध डाला गया है उसको ध्यान में रखते हुए जो 300 मार्क्स का है, तो इस पर एक फुल फ्लेज्ड क्लास के रूप में अब स्टार्ट हो रहा है इमीडिएटली, जिसमें हर एक प्रकार के निबंध, जिसमें हिस्टोरिकल से लेकर के मैथोलॉजिकल हो गया, लिटरेचर बेस्ड हो गया, कहावत मुहावरा आधारित हो गया, सोशल इश्यूज पर हो गया, इकोनॉमिकल इश्यूज हो गया, साइंटिफिक इश्यूज पर हो गया, मतलब इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कि इस निबंध में कौन कौन सा एरिया, कौन कौन सा सेक्शन, किन किन चीजों पर निबंध आ सकता है, आ रहा है अलग अलग स्टेट्स जहां भी निबंध है, या यूपीएससी में या बीपीएससी में, बीपीएससी में एक नया सेक्शन आपका बिहार बेस्ट भी होगा, बिहार बेस्ट बिहार आधारित निबंध, तो टॉपिक्स, तो उन चीजों को भी हम लोग देखेंगे, तो एक समस्या के रूप में नहीं रह जाएगी, ठीक है। अच्छी चीज है कि इसमें मैं स्वयं एसए में हमारी काफी अच्छी पोजीशन रही शुरू से ही, चूंकि बहुत सारे मैगजीन में पहले लिखता हुआ था, क्रॉनिकल, दर्पण वगैरह, सीएसआर वगैरह में, तो लिखने की आदत है, और एक बार ऑल इंडिया एसए कॉन्टेस्ट में भी फर्स्ट अवार्ड मैं जीत चुका हूँ, तो इसका एक्सपर्टाइजेशन का फायदा आप लोगों को मिलेगा कि कैसे एक अच्छा निबंध लिखा जाए, जब बीपीएससी ने डाल ही दिया है तो इसका फायदा कैसे, और एक तरह से अच्छा है कि ऑप्शन पेपर में जहां पर नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम आती थी, स्केलिंग की एक समस्या रही है, तो उसको दूर करते हुए कॉमन एक पेपर सबके लिए हो गया 300-300-300 का, ठीक है। तो अगले डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि निबंध के कितने टाइप्स हो सकते हैं और क्या क्या मतलब सेक्शंस से निबंध बनता है, बनेगा, और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
बाद बाकी ये ओरिजिनल चीजें हैं, इसको भी आप लोग एक बार एक कर लेंगे, देख लेंगे, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप 7676789 पर आप कॉल करेंगे, ठीक है, 7678599093 पर आप व्हाट्सएप करके कॉल करके अपनी आपकी जो भी क्वेरी है वो उसको, तो यह जो निबंध वाला होगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा, और ये 68वीं के लिए, 69वीं के लिए, 70वीं के लिए एकदम अभी से ही कमर कस लेना है, और अगर थोड़ा बहुत आप अभी भी 68वीं वाले भी टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक में फिर हम लोग इसका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।